Hey everyone, welcome to Biology at Ease. तो फाइनली कुछ घंटों बाद आप सभी लोग अपने नीट 2020 का एग्जाम दे रहे होंगे। अभी तक आप सभी को एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आपकी नीट एग्जाम की प्रेपरेशन कितनी हो रखी है। चाहे आपकी प्रेपरेशन 70% से ऊपर हो रखी है या फिर अभी सिर्फ 20-30% है, मैं सभी स्टूडेंट से बस इतना ही कहूंगी कि कल जब 3 घंटे आप अपना एग्जाम देने बैठे तो आपके मन में सिर्फ एक थॉट होना चाहिए, मैंने अभी तक 11th 12th में और नीट के प्रेपरेटरी फेज में जो कुछ भी पढ़ा था उस सारी नॉलेज का निचोड़ मैं इन 3 घंटों में देकर रहूंगा। अपने मन में नेगेटिव थॉट मत आने दीजिएगा कि पेपर के बाद मैं सोसाइटी को कैसे फेस करूंगा, रिलेटिव्स को क्या आंसर दूंगा कि मेरा पेपर कैसा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, मैं क्या करूंगा। इन सब बातों के लिए अपने आप को बिल्कुल भी टाइम मत दीजिएगा। आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। अगर आपको नीट एग्जाम से 10 दिन पहले भी ये रियलाइज हुआ कि अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपकी लाइफ नीट 2020 एग्जाम तक ही खत्म नहीं होती है। अगर किसी वजह से आपका कल का एग्जाम उतना जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं रह पाता है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हमेशा हर साल होता रहेगा। आपकी मेडिकल सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता है इफ इट इज योर ड्रीम और आप उसके लिए डेडिकेटेड होकर वर्क करने के लिए तैयार हो। बाकी मेरी कोशिश और मेरा साथ तो हमेशा आप सभी के साथ रहेगा, लेकिन मेरा साथ और मेरी कोशिश मेरी ब्लेसिंग से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को ब्लेस करते रहे और अपना साथ बिल्कुल भी ना छोड़े। कल का एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आइए, उन 3 घंटों को बहुत अच्छे से यूज करके आइए, अपने माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट मत आने दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और कल का एग्जाम देने के बाद आपको खुद पर प्राउड फील हो कि मैंने जितनी प्रेपरेशन करी थी उतने अच्छे से मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करके आया हूं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, यू डिजर्व टू अचीव योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।